हाय, मैं हूँ अमृता और आज मैं फैंटास्टिक बीस्ट द सीक्रेट ऑफ डंबलडोर ये मूवी एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो मूवी की शुरुआत सेकंड पार्ट के बाद होती है, जहाँ पे हम डंबलडोर और ग्रिंडेवॉल्ड को साथ में एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। दोनों काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब ग्रिंडेवॉल्ड ने गलत रास्ता चुना था, जिसपे डंबलडोर ग्रिंडेवॉल्ड से कहते हैं कि जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है। जिस पर ग्रिंडेवॉल्ड कहता है, मैं वही चीज कर रहा हूँ जिसका सपना हमने पहले देखा था, एक ऐसी दुनिया जिसमें कोई भी मगलू नहीं होगा। ये कहकर ग्रिंडेवॉल्ड वहाँ से फिर निकल जाता है। हैरी पॉटर और फैंटास्टिक बीस्ट में हमें बताया गया है कि कैसे जादूगरों की एक सीक्रेट दुनिया रहती है, और जो इंसान विजर्ड या जादू की चीजें नहीं जानता यानी नॉर्मल इंसान, उसे मगलू कहा जाता है। अब थोड़े समय के बाद हम डंबलडोर को देखते हैं, जिनके हाथ में ब्लड टोर्थ नाम का एक लॉकेट था, जिसे डंबलडोर और ग्रिंडेवॉल्ड ने सालों पहले मिलकर बनाया था, जिसमें उन दोनों का खून रहता है। दरअसल डंबलडोर और ग्रिंडेवॉल्ड दोनों भी एक दूसरे के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व रहते हैं, और जब वो दोनों भी यंग थे तब उन्होंने एक ब्लड पैक यानी एक शपथ, एक ओथ ली थी, एक दूसरे के खिलाफ या एक दूसरे के साथ कभी भी नहीं लड़ेंगे। और इस शपथ को पूरा करने के लिए दोनों का भी खून लगता है, और वही इस लॉकेट में था। और अगर आगे जाके दोनों में से किसी ने भी इस शपथ को तोड़ना चाहा तो ये लॉकेट उन्हें मारने की कोशिश करेगा। इसी कारण वो ग्रिंडेवॉल्ड को उसके बुरे कामों के लिए रोक नहीं पा रहे थे। वही दूसरी तरफ हम न्यूट को देखते हैं, जो वेलिंग के जंगलों में कुलिन नाम के मैजिकल क्रीचर को ढूंढ रहा होता है। ये एक ऐसा क्रीचर होता है जिसके खून से किसी इंसान का खून अगर मिला दे तो उस इंसान का फ्यूचर देख सकते हैं। न्यूट को एक फीमेल क्वीन मिलती है जो कि एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन इसी बीच में वहाँ पे क्रीडेंस अपने दो साथियों के साथ आता है, जो कि अभी ग्रिंडेवॉल्ड के लिए काम कर रहा था। क्रीडेंस वहां आके उस क्रीचर को तो मारता है और उस बच्चे को अपने साथ लेके जाने वाला था। न्यूट पूरी कोशिश करता है कि वो उस बच्चे को बचाए, लेकिन क्रीडेंस और उसके लोग न्यूट को घायल कर उस बच्चे को अपने साथ लेके जाते हैं। जिसके बाद न्यूट फिर उस फीमेल क्यूलिन के पास आता है कि तभी उसकी नजर उसके दूसरे बच्चे पर पड़ती है, मतलब कि उसे ट्विंस हुए थे। न्यूट फिर उस बच्चे को अपने सूटकेस में डाल देता है, और इस सूटकेस में अलग अलग तरह के क्रीचर रहते थे एक अपने अलग दुनिया में। उसी में से एक ड्रैगन निकलता है जो फिर न्यूट को उड़ाकर अपने साथ लेके जाता है। वही क्रीडेंस इस बच्चे को लेके जाके ग्रिंडेवॉल्ड को देता है। ग्रिंडेवॉल्ड उस बच्चे का गला काट कर उसके खून में उसका खून मिलाता है और अपना फ्यूचर देखता है। इधर दूसरी जगह न्यूट अपने भाई थेसिस के साथ डंबलडोर से मिलने आता है, जहाँ पे डंबलडोर थेसिस को ब्लड ट्रॉथ दिखाते हैं और कहते हैं, ये लॉकेट मेरा और ग्रिंडेवॉल्ड के खून से बना हुआ है, इसीलिए इस लॉकेट को खुद से मैं नष्ट नहीं कर सकता। और थीसिस को दिखाने के लिए डंबलडोर इसी लॉकेट को तोड़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो लॉकेट फिर उन्हीं की जान लेने की कोशिश करने लगता है। जिसके बाद डंबलडोर थीसिस और न्यूट से उनकी ग्रिंडेवॉल्ड को रोकने में मदद करने के लिए कहते हैं, जिसके लिए दोनों भी मान जाते हैं। अब कुछ समय बाद हम क्रीडेंस को देखते हैं, जिसे अपने किए पर काफी पछतावा हो रहा था, जहाँ पे हम उसके मिरर पर फॉरगिव मी ऐसा लिखा हुआ देखते हैं। जिसके बाद हम जेकब को देखते हैं, जो अपनी बेकरी चला रहा था। क्वीनी जब से ग्रिंडेवॉल्ड के साथ मिली थी वो एक दूसरे से मिले ही नहीं थे। वही जेकब से मिलने के लिए प्रोफेसर लैली नाम की एक लड़की आती है, जो फिर जेकब और खुद को टेलीपोर्ट करके एक ट्रेन में लेकर जाती है, जहाँ पे न्यूट और थीसिस होते हैं। उनके साथ बंडी नाम की एक लड़की जो कि न्यूट की असिस्टेंट रहती है, और यूसुफ जिसे हमने लास्ट पार्ट में देखा था। और इन लोगों को डंबलडोर ने ग्रिंडेवॉल्ड के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा रहता है। यह न्यूट सभी लोगों को कहता है, ग्रिंडेवॉल्ड फ्यूचर में क्या होगा ये पहले ही देख सकता है, इसके लिए हमें उसके खिलाफ बिना किसी प्लान के लड़ना होगा। जिसके बाद न्यूट सभी लोगों को डंबलडोर ने दिए हुए गिफ्ट्स देता है, जहाँ पे जेकब को एक मैजिकल स्टिक मिलती है वो मगलू होने के बावजूद। फिर थीसिस को एक टाई, तो वही बंटी को एक पेपर मिलता है जिसे पढ़ते ही वो पेपर जल जाता है। वही प्रोफेसर लैली को डंबलडोर से एक बुक मिलती है, जबकि यूसुफ कहता है, मुझे जो चाहिए वो मुझे पहले ही मिल चुका है। अब इधर उनकी ट्रेन बर्लिन स्टेशन पहुंचती है, जहाँ पे यूसुफ बाकियों से अलग जाता है, जिसे ग्रिंडेवॉल्ड पर नजर रखने का काम दिया गया था, जबकि बंटी न्यूट से उसका सूटकेस लेकर अलग हो जाती है। वही बाकी के लोग बर्लिन मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक के ऑफिस में आते हैं, जहाँ न्यूट की मुलाकात एंटन वोगल नाम के आदमी से होती है, जो कि करंट सुप्रीम लीडर रहता है पूरे विजर्ड वर्ल्ड का।
न्यूट एंटन को डंबलडोर का एक मैसेज देता है कि वो वही करे जो सही हो, मगर एंटन ग्रिंडोवाल्ड के साथ मिला हुआ रहता है और अपनी पोस्ट छोड़ने के पहले वो ग्रिंडोवाल्ड पर लगे सारे चार्जेस हटा देता है जो ग्रिंडोवाल्ड ने मगलूज के अगेंस्ट अपने नफरत के कारण किए थे। साथ ही एंटन विंसेनिया सैंटोस और लियू टाओ नाम के दो विजर्ड के नाम सिलेक्ट करता है एज अ कैंडिडेट जो अगले इलेक्शन में खड़े होंगे। इसी बीच में थीसिस की नजर एक लड़की पर जाती है जो कि ग्रिंडोवाल्ड के लिए काम करती थी। थीसिस उस लड़की का पीछा करने लगता है मगर तभी थीसिस को पुलिस आकर अरेस्ट कर लेती है और न्यूट और उसके साथी कुछ भी नहीं कर पाते। मगर फिर अगले दिन डंबलडोर आकर न्यूट और बाकी के लोगों को बताते हैं कि थीसिस को अर्कस्टैक नाम की जगह पे रखा है। वही डंबलडोर जेकब और प्रोफेसर लैली को जर्मन मिनिस्टर ऑफ मैजिक के ऑफिस में जाने के लिए बोलते हैं। फिर हम बंटी को देखते हैं जो एक कारीगर के पास जाती है और उसे न्यूट के ही सूटकेस की तरह दिखने वाले 6 अलग अलग सूटकेस बनाने के ऑर्डर देती है ताकि कोई भी ये पता नहीं कर सके कि असली सूटकेस कौन सी है। वही दूसरी तरफ यूसुफ ग्रिंडोवाल्ड के पास उसे मिलने आता है, जहां आकर वो ग्रिंडोवाल्ड से कहता है कि मुझे यहां पे डंबलडोर ने भेजा है आप पे नजर रखने के लिए। मगर ग्रिंडोवाल्ड फिर क्वीनी की मदद से यूसुफ का माइंड रीड करवा लेता है, जिसे ग्रिंडोवाल्ड को यकीन आ जाता है कि यूसुफ सच कह रहा है। लेकिन उन्हें यह भी पता चलता है कि यूसुफ अभी तक अपनी बहन यानी लेटा, जो पिछले पार्ट में ग्रिंडोवाल्ड के कारण मारी गई थी, उसके मौत को वो अभी तक भुला नहीं पाया है। जिसके बाद ग्रिंडोवाल्ड अपने पावर को यूज करके यूसुफ के माइंड से उसकी बहन से जुड़ी हर यादों को मिटा देता है। अब हम फिर से डंबलडोर को देखते हैं, जिसे मारने के लिए ग्रिंडोवाल्ड ने क्रिडेंस को भेजा रहता है, मगर डंबलडोर ये पहले से ही नोटिस कर लेते हैं, जिसके बाद वो क्रिडेंस को एक अलग डायमेंशन में लेके आते हैं जहां उन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ी लड़ाई होती है। लेकिन अपने पावर का यूज करके डंबलडोर क्रिडेंस को हरा देते हैं, जिसके बाद डंबलडोर क्रिडेंस से ये कहते हैं कि ग्रिंडोवाल्ड उसे मैनिपुलेट कर रहा है। आगे वो ये भी बताते हैं कि तुम डंबलडोर फैमिली से बिलोंग करते हो, लेकिन हमें इसके बारे में कभी भी पता नहीं था। ये कहकर वो क्रिडेंस को वापस अपने असली दुनिया में लेकर छोड़ देते हैं। इधर न्यूट डंबलडोर के बताए जगह पे चला जाता है जो कि एक जेल रहती है, लेकिन न्यूट के जाने से पहले ही वहाँ का जेलर उसकी मैजिकल स्टिक और दोनों पेट स्पीक और टेडी को अपने पास रख लेता है, जहाँ पे न्यूट फाइनली थीसिस को ढूंढ लेता है और उसकी रस्सियाँ खोल देता है। लेकिन तभी उनके ऊपर काफी सारे स्कॉर्पियन लाइक क्रीचर आ जाते और हमला करते हैं, पर न्यूट को क्रीचर की काफी अच्छी नॉलेज रहती है और लिम्बिक मिमिक्री नाम की टेक्निक को यूज करके वो उन क्रीचर से होते हुए निकल जाता है। मगर फिर उसका सामना एक बहुत ही बड़े क्रीचर से होता है, लेकिन न्यूट और थीसिस किसी तरह खुद को उससे बचा लेते हैं, जिसके बाद न्यूट फिर पिक और टेडी को आवाज देकर अपने पास आने के लिए बुला लेते हैं, जो कि फिर न्यूट की मैजिकल स्टिक और थीसिस की टाई लेकर न्यूट के पास आते हैं। और जैसे ही ये लोग इस टाई को पकड़ते हैं, सभी टेलीपोर्ट होकर हॉगवर्ट पहुंच जाते हैं। वही सीन फिर जर्मन मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक पर शिफ्ट होता है, जहां पे एक पार्टी चल रही होती है, जिधर प्रोफेसर लैली और जेकब आए होते हैं। साथ ही वहां पे ग्रिंडोवाल्ड भी आते हैं, जिसके साथ क्वीनी आती है, मगर वो जेकब को इग्नोर करती है, जिससे जेकब को बहुत ही बुरा फील होता है। इधर पार्टी में नई सुप्रीम लीडर कैंडिडेट विसेंशिया सैंटोस भी आई हुई रहती है, जिसे मारने के लिए ग्रिंडोवाल्ड एक वेटर को उसके पास उसके ड्रिंक में पॉइजन लेकर भेजता है। लेकिन प्रोफेसर लैली को पता चल जाता है और इसके पहले ही विसेंशिया वो ग्लास पीती प्रोफेसर लैली अपने मैजिक स्टिक से पोशन को बाहर गिरा देती है। लेकिन इसी बीच जेकब अपनी स्टिक लेकर खड़ा हो जाता है और ग्रिंडोवाल्ड की तरफ पॉइंट करने लगता है, जिससे सभी लोगों को यही लगता है कि जेकब ग्रिंडोवाल्ड को मारने की कोशिश कर रहा है। मगर तभी प्रोफेसर लैली आकर दोनों को भी टेलीपोर्ट कर वहां से बचा लेती है, जिसके बाद वो दोनों भी हॉगवर्ट जाते हैं, जहां उन्हें न्यूट थीसिस और डंबलडोर मिलते हैं। इधर प्रोफेसर लैली न्यूट और थीसिस को एक न्यूज़पेपर दिखाती है, जिसमें ये लिखा होता है कि जेकब एक मर्डरर है जिसने ग्रिंडोवाल्ड को मारने की कोशिश की है। वही डंबलडोर सभी लोगों से कहते हैं कि ग्रिंडोवाल्ड अब एक ऑफिशियल कैंडिडेट बन चुका है इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ विजर्ड के इलेक्शन में खड़े होने के लिए, जिसके बाद वो सभी को किंगडम ऑफ भूटान दिखाते हैं, जहां इस बार इलेक्शन करवाए जाने वाले हैं और इस इलेक्शन के रिजल्ट एक क्विलिन द्वारा लिया जाएगा। इसके बाद सभी लोग फिर डंबलडोर के भाई एबरफोर्थ से मिलने आते हैं, जहां डंबलडोर एबरफोर्थ को बताता है कि क्रिडेंस दरअसल उसी का बेटा है। ये सुनते ही एबरफोर्थ काफी हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें इस बारे में पता ही नहीं था। इधर न्यूट को मिरर में कुछ लिखा हुआ मिलता है,
आई वॉन्ट टू कम होम। न्यूट फिर इसके बारे में डंबलडोर को जाकर बताता है, जिस पर डंबलडोर कहते हैं कि ये मैसेज क्रीडेंस ने भेजा है हमारे लिए। डंबलडोर आगे कहते हैं क्रीडेंस जल्दी ही मरने वाला है क्योंकि उसके आसपास फिनिक्स एश नाम का पंछी घूम रहा है जो डंबलडोर फैमिली के उसी मेंबर के आसपास रहता है जिसकी जल्दी मौत होने वाली रहती है। इसके बाद डंबलडोर फिर अपने बहन एरियाना के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि सालों पहले मेरे और एबलफोर्थ के बीच में किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई थी। ये बहस इतनी बढ़ गई थी कि हम दोनों एक दूसरे के ऊपर छड़ी से अटैक करने वाले थे। उसी समय हमारी बहन एरियाना सीढ़ियों से नीचे आ रही थी और गलती से यह अटैक उस पे लग गया और उसकी जान चली गई। ये सदमा हम दोनों भी बर्दाश्त नहीं कर पाए और तब से हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। इधर ग्रिंडोवाल्ड अपने पावर की मदद से उसी क्विलिन को वापस जिंदा कर लेता है, लेकिन तभी ग्रिंडोवाल्ड को दूसरे ट्विन क्विलिन के बारे में पता चल जाता है जो कि न्यूट ने लिया था, मगर क्रीडेंस को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं रहता। लेकिन ये बात सुनकर ग्रिंडोवाल्ड उस पे बहुत ही गुस्सा होता है लापरवाही के लिए और वो क्रीडेंस को आखिरी मौका देता है डंबलडोर को मारने के लिए। दूसरी तरफ बंटी न्यूट के ओरिजिनल सूट के जैसे दिखने वाले और 5 सूटकेस लेकर आती है। उन्हें नहीं पता रहता कि असली सूटकेस कौन सा है जिसमें क्विलिन के उस क्वीन को रखा गया था। इधर डंबलडोर सभी से कहते हैं कि हमें इस क्विलिन को सही सलामत इलेक्शन वाले सेरेमनी की जगह लेकर जाना होगा क्योंकि क्विलिन एक ऐसा क्रीचर होता है जो लोगों के सोल्स में ये देखकर बता सकता है कि वो शख्स अच्छा है या बुरा, और क्विलिन जिस भी कैंडिडेट के सामने झुक जाएगा उसे ही पूरे विजर्ड वर्ल्ड का नया लीडर बना दिया जाएगा। और क्योंकि ग्रिंडोवाल्ड के पास भी एक क्विलिन होता है, वो शायद उस क्विलिन को मैजिक से अपने कंट्रोल में कर देगा और इसी कारण से डंबलडोर किसी भी हालत में दूसरे कुलीन को सेरेमनी तक पहुंचाना चाहते थे क्योंकि असली कुलीन ही बता सकता है कि कौन सच में वर्दी है लीडर बनने के लिए। वही फिर सभी लोग एक एक सूटकेस लेकर टेलीपोर्ट होकर सेरेमनी में आते हैं। इधर प्रोफेसर लैली और थीसिस को ग्रिंडोवाल्ड के लोग देख लेते हैं। इसके बाद उनके बीच में लड़ाई शुरू होती है, लेकिन ग्रिंडोवाल्ड के लोग काफी ज्यादा होते हैं। वही प्रोफेसर लैली और थीसिस को पकड़ लेते हैं, मगर जब उनका सूटकेस खोला जाता है तब उसमें से बुक वही दूसरे में से मैजिकल बॉल निकलती है जो फिर ग्रिंडोवाल्ड के सभी लोगों पर बड़ी फटने लगती है। दूसरी तरफ जेकब का सूटकेस भी पकड़ लिया जाता है जिसमें से उन्हें कुछ नहीं मिलता, लेकिन इसी बीच क्विनी आकर जेकब से मिलती है और जेकब से उसे छोड़ने के लिए माफी मांगती है, पर फिर ग्रिंडोवाल्ड के लोग आकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं जबकि थेसस और प्रोफेसर लैली के पीछे कुछ और लोग भी होते हैं। पर तभी यूसुफ आकर उन सभी लोगों को हरा देता है जो कि अभी भी डंबलडोर के साथ होता है और ग्रिंडोवाल्ड का साथ देने का बस नाटक कर रहा था। इधर न्यूट अपना सूटकेस लेकर इलेक्शन वाली जगह जा रहा होता है कि तभी ग्रिंडोवाल्ड का एक साथी आकर उसे बेहोश कर उसका सूटकेस लेकर चली जाती है, और जब न्यूट को होश आता है तो वो लेडी आकर उसे उसका सूटकेस वापस दे देती है, पर तभी उसमें आग लग जाती है। वही इन सबके बीच में हम देखते हैं ग्रिंडोवाल्ड ने अपने लाए हुए कुलीन के मदद से खुद को इलेक्शन जीतवा दिया होता है। वही अब विजर्ड का सुप्रीम लीडर बनने के बाद ग्रिंडोवाल्ड फिर जेकब पर उसे मारने की कोशिश करने का इल्जाम लगाता है और उस पर अपनी वॉन्ड से हमला करता है, पर विसेंशिया अपने वॉन्ड से जेकब को ग्रिंडोवाल्ड के स्पेल से फ्री कर देती है। वही पर क्रीडेंस आ जाता है और सभी लोगों से कहता है कि ये कुलीन असली नहीं है, और तभी वहाँ पे बंटी अपने सूटकेस के साथ जाती है जिसमें असली कुलीन निकलता है और वो कुलीन डंबलडोर के सामने आके झुक जाता है। पर डंबलडोर कुलीन से कहते हैं क्या यहाँ पर कोई और भी है जो मेरी तरह वर्दी है, जिसके बाद कुलीन जाकर विसेंशिया के सामने झुक जाती है जिसे फिर नई सुप्रीम लीडर चुना जाता है। ग्रिंडोवाल्ड को ये सबसे काफी गुस्सा आता है, इसीलिए वो क्रीडेंस पर अपने वॉन्ड से हमला कर देता है और वो जख्मी हो जाता है। लेकिन तभी डंबलडोर और एबरफोर्थ अपने वॉन्ड से एक स्पेल का अटैक करते हैं जिससे सारे स्पेल आपस में टकराते हैं और बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उसी के साथ ही उनका ब्लड ट्रॉट टूट जाता है, यानी उनके बीच में जो ब्लड पैक्ट बना था वो टूट जाता है, जिसके टूटने के कारण डंबलडोर और ग्रिंडोवाल्ड एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ने लगते हैं। बहुत ही बड़ी लड़ाई होती है, लेकिन फिर दोनों भी एक समय पे रुक जाते हैं और डंबलडोर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी ग्रिंडोवाल्ड उन्हें रोकते हुए पूछता है कि क्या तुम अभी भी मुझसे उतना ही प्यार करोगे। इस पे डंबलडोर कहते हैं नहीं और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद ग्रिंडोवाल्ड भी वहां से जाने लगता है। इधर एबरफोर्ड क्रीडेंस को एक्सेप्ट कर लेता है जो कि मर रहा होता है और उससे माफी मांगता है और अपने घर लेकर आता है।
अब मूवी के अंत में हम जेकब और क्वीनी को साथ में देखते हैं जिनकी अब शादी हो रही थी। वही इसी बीच में न्यूट से मिलने के लिए वहाँ टीना आती है जो कि क्वीनी की मेड ऑफ ऑनर होती है और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। मुझे लगता है ग्रिंडोवाल्ड ने जानबूझ के डंबलडोर से वो ओथ ली थी क्योंकि शायद उसे पता होता है कि आगे जाके उसके इरादे कुछ अच्छे नहीं होंगे और डंबलडोर बीइंग पावरफुल विजर्ड उसे अपोज करने के लिए जरूर आएंगे, इसीलिए वो ओथ से उन्हें रोकने की कोशिश करना था। आपको क्या लगता है मुझे बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।